हेलो गाइस, एसएम फैब्रिकेशन में आज आपका फिर से स्वागत है। और एसएम फैब्रिकेशन में हम आज आपको बताने वाले हैं कि बैंड या सिंपल बैंड कैसे बनाते हैं विथ साइंटिफिक कैलकुलेटर। साइंटिफिक कैलकुलेटर में आपको बेसिकली दो ही तरीके का कैलकुलेटर अभी के लिए यूज करना है, FX82 या FX100, वो भी कैशियो का। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो ये बैंड आप देख रहे हो या सिंपल बैंड जो आप बनाने वाले हो, ये बैंड ऑलरेडी हमने बना के रखा हुआ है नॉर्मल तरीके से। आज हम बताने वाले हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे बनाते हैं कैलकुलेटर का यूज करके। ठीक है, और ये रहा इसका डायग्राम, ये रहा इसका डायग्राम, और ये आप देख रहे हो कि हमने एक बैंड मान रखा है जिसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर है, जिसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर है। और तो इसका रेडियस कितना निकल के आएगा, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर रेडियस हो गया इसका। और ये जो आप देख रहे हो बैंड का रेडियस, ठीक है, बैंड का जो रेडियस निकल के आ रहा है वो 5 सेंटीमीटर हमने मान रखा है, 3 सेंटीमीटर इसका पाइप का और 5 सेंटीमीटर बैंड का। तो जब भी मैं वीडियो के अंदर बताऊंगा पीआर और बीआर, आपको समझना है कि पीआर जो है पाइप रेडियस और बीआर बैंड रेडियस होगा, 3 और 5 हमने मान रखा है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपको हमारा ये काम अच्छा लगता है तो हमारे एसएम फैब्रिकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें क्योंकि काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है हमारी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बता रखा है कि 3 सेंटीमीटर आपका जो है पाइप का रेडियस होने वाला है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन हमने ले रखी है और उसमें मैं क्या करूंगा, 3 सेंटीमीटर ऐसे चाप में भर के, ये आप देख रहे हो ये आपका जो पाइप का रेडियस है वो है, और एक ऐसे हाफ सर्कल प्लॉट कर दे रहा हूं मैं। ये हो गया आपका हाफ सर्कल प्लॉट हो गया। अब आपको क्या करना है कि इसको डिवाइड करना है। अब ये देख रहे हो, और मैं इधर से भी कर देता हूं, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है आपको, ये ऐसे मिला देना है, यहाँ पे आपको कट मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना होता है, आपको ये कट पे रख के एक चाप इधर और एक चाप आपको इधर मार देना है, ठीक है। अब मैं यहाँ मेजरमेंट लिख देता हूँ, 3 सेंटीमीटर, जो भी मेजरमेंट हम कर रहे हैं सेंटीमीटर में कर रहे हैं, आपको अगर जो भी करना है आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। आप ये देख रहे हो काफ़ी अच्छे तरीके से हमने कर दिया। इतना करने के बाद से आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं, पहले तो मैं इन सारी लाइंस को पैरेलल कर लेता हूँ। ये देखिए आप, ये पैरेलल हो गई। इसके बाद ये जो कट है आपका ये हो गया, फिर ये भी हो गया, और लास्ट में ये जो आप देख रहे हो इसको भी आपको ऐसे करना है। इसके बाद क्या करना है, ये आप जो इस साइड की लाइंस आप देख रहे हो, ये देखो आप, ठीक है, आपको यहाँ भी सेम काम करना है ऐसे, और मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ, ये हो गया, और इसके बाद आपका जो है ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो था पाइप का रेडियस था, ठीक है, अभी आपको क्या करना है बैंड का रेडियस बनाना है। तो अभी बैंड का रेडियस आप देखो 5 सेंटीमीटर यहां से लेके यहां तक का होगा, मैं आपको नाप के दिखा देता हूं। ये देखो आप, ये देखो 5 सेंटीमीटर जो है सेंटर से यहां तक का है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहां 2 सेंटीमीटर बढ़ेगा क्योंकि जितना 3 सेंटीमीटर यहां है तो 3 सेंटीमीटर इसका हाफ रेडियस भी इधर का भी होगा। इसके बाद 2 सेंटीमीटर और बढ़ेगा तो यहां सेंटर से ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, जहां पे ये 5 सेंटीमीटर आपका हो रहा है वहां पे आपको एक स्ट्रेट लाइन ऐसे वर्टिकली कर देनी है। वर्टिकल लाइन करने के बाद से आपको कुछ भी नहीं करना होता है, सिंपली आप ये देख रहे हो कोई भी एक छोटा सा चाप भर के आपको ऐसे चला देना है, और जो चाप आपने अभी भरा है उसको क्या करना है, ऐसे एक क्रॉस उधर से और एक क्रॉस इधर से कर देना है, ठीक है।
जब आप ये कर लेते हो तो ये जो एंगल बनता है 30 डिग्री एंड ये 60 डिग्री हो जाता है और ये आपका 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। पर इसको भी आपको 15 डिग्री के भाग में बांटना है, ठीक है, क्योंकि जिस फॉर्मूले से हम बनाने वाले हैं वो 15 डिग्री के अकॉर्डिंग बनने वाला है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे होगा। आपको ये जो दूरी है यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है बीच बीच में, कैसे करनी है आप चाहो तो वो भी कर सकते हो। जैसे कि आपने ये जो दूरी भरी है, आप यही दूरी या आधे से ज्यादा दूरी भर के ऐसे चाप कर दोगे। आप ये देखो, आप जब चाप चला देते हो तो जब आप इस चीज को मिलाते हो तो आपको एक पॉइंट यहां पे मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका आधा। ऐसे ही मैं बाकी जगहों पे भी ऐसे आधा ये और आधा ये हो जाएगा आपका, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करने वाला हूं, इन सारी लाइंस को आगे बढ़ा देना हूं। ये सारी लाइंस आगे तक जाएंगी। ये जितना भी डिग्री बन रहा है ये बन रहा है 15-15 डिग्री का अंतर आ रहा है, ठीक है। और पहले इतना कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं क्या करना है। अभी आपको ये जो 15 डिग्री का एंगल मिल रहा है, ठीक है, आपको क्या करना है, ऐसे इसको मिला देना है। अभी आप देख रहे हो ये जो लाइन सबसे नीचे वाली है, एक्चुअली आपको सिर्फ 15 डिग्री चाहिए ये वाली, बाकी ऊपर के आपको कोई जरूरत नहीं होती है। ये जो 15 डिग्री का एंगल आ रहा है, ठीक है, जब आप इसको टोटल सब टोटल करते हो तो ये 90 डिग्री आता है। आप जानते होगे ये चीज, मैं सब बताने वाला नहीं। तो ये जो आपका आ रहा है ये आ रहा है 15 डिग्री, ठीक है। 15 डिग्री हमने क्यों लिया, अभी मैं आपको फॉर्मूले में बता देता हूं। अभी आप देख रहे हो ये जो है लाइन जो जा रही है 15 डिग्री वाली, वो जो पैरेलल लाइंस है उसको क्रॉस कर रही है। तो बेसिकली आपको इसी की डिस्टेंस निकालनी होती है, ठीक है। अभी मैं आपको जो फॉर्मूला है वो बता देता हूं, फॉर्मूला क्या है। तो जो फॉर्मूला बनेगा वो होता है कॉस 0 0 0 और ये होता है डिग्री में इंटू पाइप रेडियस प्लस बैंड रेडियस, और ये आ जाएगा पूरा ब्रैकेट में कॉस 0 0 0 इंटू पाइप रेडियस प्लस बैंड रेडियस इंटू 10 आप जानते होगे, और ये होता है 15 डिग्री, ठीक है। अब आप समझ रहे हो कि ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे 15 डिग्री, आपने ये जो मार्किंग किया है ये 15 डिग्री क्यों आएगा, ये जो रहेगा ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये जो 10-15 है ये चेंज नहीं होगा, ये फॉर्मूला सेम रहेगा। आप जैसे जैसे अब डिग्री चेंज करते हो जैसे जैसे, वैसे यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर ये 0 0 के लिए आप निकाल रहे हो तो आप ये करोगे 0 0 का फॉर्मूला रखोगे, और अगर आप कितना निकाल रहे हो फिर 30 डिग्री का निकाल रहे हो तो मैं वो आपको बता देता हूँ कैसे होगा। तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा ब्रैकेट में कॉस 30 डिग्री इंटू पाइप रेडियस प्लस बैंड रेडियस इंटू 10-15। अभी आप देख रहे हो जो 10 की वैल्यू है वो नहीं चेंज हो रही है, चेंज क्या हो रहा है, कॉस की वैल्यू। अब आप इधर देखो कि यहाँ आप देख रहे हो कि आप जब स्ट्रेट लाइन में इधर से बाएं से दाएं की तरफ चलते हो तो वो साइन चलता है, ठीक है। जब आप दाएं से बाएं जाते हो तो वो कॉस चलता है। तो अब आप किस चीज के लिए कर रहे हो, कॉस के लिए। तो जो डिग्री बनेगी वो होती है इस चीज के लिए, ये देख रहे हो आप। अभी आप इधर से इधर की तरफ जाने वाले हो तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, कॉस 0 0। तो जो कॉस 0 0 डिग्री आप देख रहे हो वो यहां से अब फिल होगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, ये आपका जो 15 डिग्री आ रहा है ये कहां से आ रहा है मैं आपको बता देता हूं, फिर आपको कैलकुलेटर का यूज करके दिखाता हूं। जैसे कि आपका है 90 डिग्री था, ठीक है। इसके बाद आप इसको कितनी कल्ली में डिवाइड करते हो, डिवाइडेड बाय कल्ली, कल्ली मतलब होता है कितने पार्ट से मिलके वो बन रही है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2। क्यों, क्योंकि जो भी आप फैब्रिकेशन करते हो वो आधे के लिए होता है। तो जैसे कि अब 90 डिग्री है तो इसको जब 3 कल्ली में मेरे को बनाना है, ठीक है, तो इसका आ गया कितना आएगा 19/3, तो इसका हो गया 30 डिग्री, ठीक है।
अब इसको आप हाफ कल्ली के लिए बनाते हो तो इसको फिर दो से डिवाइड करोगे, कल्ली भागा दो, तो ये आ जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, तो यही जो वैल्यू है वो यहां पे आ रही है, ये देखो आप 15 डिग्री यही आ रही है। तो आपको समझ में 15 डिग्री हम क्यों ले रहे हैं, 10 जो 10 15 है वो कहां से आ रहा है, वो यहां से आ रहा है। ठीक है, अभी आप देख रहे हो कैलकुलेटर है हमारे पास, 00 पे सेट है। अब हम ये फॉर्मूला भरने वाले हैं, तो फॉर्मूला भरने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद क्या है कॉस 00 00, ठीक है, उसके बाद इनटू पाइप रेडियस, पाइप रेडियस आपका कितना है 3, ये 3 हो गया, प्लस पैन रेडियस कितना है 5, ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट बंद, उसके बाद इनटू 10 15, ठीक है। तो ये आप जो वैल्यू देख रहे हो 2.14, आप देख रहे हो 2.14, ये वैल्यू हो जाएगी इसकी यहां से, और ये जो हाइट है 2.14 सेंटीमीटर में ही आएगा। अब मैं आपको ये नाप के दिखा देता हूँ, 2.14 की वैल्यू है, मैं स्केल से करके दिखा देता हूँ। ये देखो आप 2.14 यहाँ पे आपको मिल रहा है। ठीक है, ऐसे ही आपको फिर करना है। ये पहला था, मतलब ये पहला इक्वेशन था, दूसरा जो है इसके लिए आएगा। ठीक है, दूसरे के लिए कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब मैं आपको फिर कैलकुलेटर से ऐसे करके दिखा देता हूँ, ये जितनी वैल्यू आएगी सारा आपको सेम, ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है सेम फॉर्मूला होगा, बस आपको ये जो डिग्री होती है वो 30 30 प्लस करके जोड़ते जाना है। ठीक है, अभी क्या है कि कैलकुलेटर में आपको दिखा देता हूँ कैसे होगा। तो ये हो गया, आप जल्दी जल्दी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ब्रैकेट में कॉस 30, ठीक है, इसके बाद इनटू पाइप रेडियस 3 प्लस बैंड रेडियस 5, ब्रैकेट बंद, इनटू 10 15, तो ये हो गया आपका 10 और ये हो गया 15, तो ये आ गई वैल्यू 2.03। ठीक है, आपको जैसे दिख रहा होगा, तो अब जो आपको मिलेगा ये हो जाएगा इसका 2.03 और ये आएगा सेंटीमीटर में। ऐसे करके आपको सबकी जो वैल्यू है ये आपको निकाल लेनी है, फिर आपको क्या करना है, इसके लिए, तीसरे के लिए, चौथे के लिए, पांचवे के लिए, छठवे के लिए और सातवें के लिए, ऐसे आपको सबका निकाल लेना है। ठीक है, ये आपको करना है, तो इतना आप करो, फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कैसे होगा। ऐसे जैसा कि हम लोगों ने 90 तक कर लिया था, उसके बाद आप देख रहे हो ये सारे कैलकुलेशन मैंने कर लिया है। 10 आपका बिल्कुल चेंज नहीं होता, जो चेंज होता है वो होती है सिर्फ डिग्री, 60 90 120 150 180। ठीक है, आपको 7 मिलेगा और 7 तक वैल्यू मिलेगी, ऐसे करना है आपको 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपको सारा भर देना है, जैसे कि ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, ये सारी वैल्यू उठा के, इन सारी जो डिस्टेंस आ रही है इन्हीं की दूरी वो होती है। अब आपको क्या करना है, 3 सेंटीमीटर का जो ये रेडियस था पाइप का रेडियस, इसका पूरा डायल कितना होता है 6 सेंटीमीटर का। ये आप देख रहे हो कि जो इसका डायमीटर होता है वो होता है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या करेंगे, इंटू पाई। ठीक है, तो पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 6 × 3.14। अब इसकी जो वैल्यू आती है वो हो जाती है 18.84 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको ये दूरी क्या करनी है, स्केल में ऐसी भरनी है, स्केल आपको लेनी है, 18.84 की दूरी आपको भरनी है, ये आपको दूरी भरनी है, और इसको क्या करना है 12 भाग में डिवाइड कर देना है। 12 भाग में आपको कैसे डिवाइड करना है, आप 18.84 को 12 भाग में ऐसे डिवाइड कर दो, फिर जितनी वैल्यू आएगी उसको आपको ऐसे ऐसे चाप मार देना है। मैं करके दिखाता हूं, 18.14 जो था, सॉरी 18.84 जो था उसको 12 भाग में हमने डिवाइड किया, उसके बाद 12 भाग में डिवाइड किया तो हमारी जो वैल्यू आई 1.57 आई। ठीक है, तो ये जो पूरी दूरी है ये 18.84 है, इसको मैंने 12 भाग में ऐसे डिवाइड कर लिया, जिसकी वैल्यू थी 1.57, तो इसकी जो दूरी आ रही है एक एक की 1.57 है, इसको मैंने 12 भाग में डिवाइड कर लिया। ओवरलैप लेना चाहो आप ओवरलैप ले सकते हो, अदरवाइज आपको सीधे मार्किंग कर लेनी, कैसे करनी है, 4 3 2 1 2 3 4, 4 तक होने के बाद से आपको क्या करना है, 5 6 7, फिर क्या करना है 6
पांच चार, आपको चार चार किनारे मिलेगा, बीच में आपको ध्यान देना है, चार तीन दो एक, फिर दो तीन चार पांच छह तक जाना है, छह सात, सात के बाद फिर उल्टा छह पांच चार, आपको देख रहे हो दोनों साइड ये मिल जाएगा। इसके बाद से आप देख रहे हो जो वन टू थ्री फोर ऐसे मार्किंग हमने कर लिया, वन आप देखो वन की जो वैल्यू आ रही है 2.14, ठीक है, तो 2.14 हम यहाँ पे भर लेते हैं, 2.14, ठीक है, ये हो गया। और वन जहां पे आपको दिख रहा है, जहां भी दिख रहा है, ये रहा आपका, तो ये हमने मार्किंग कर दिया ऐसे, ये देखिए आप मार्किंग हमने कर दिया वन, और कहीं आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, हो गया। फिर जहां टू है, टू जो आप देख रहे हो 2.03 आ रहा है, तो ये उसकी वैल्यू हो गई। अब आपको जहां टू दिख रहा है वहां पे आपको ऐसे मार्किंग करनी है, ये हो गया इधर और ये हो गया यहाँ पे, फिर टू आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ठीक है, ये हो गया। फिर आपको तीसरे वाले को, चौथे वाले को, पांचवे वाले को और छठवें और सातवें वाले को आपको ऐसे ही नाप के कर देना है, और उसके बाद जो आपको ये पॉइंट्स मिल रहे हैं इसको आप एक दूसरे के साथ मिला दोगे तो आपको एक कर्व मिलेगा, ठीक है, कर्व मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उस कर्व को लेके कटिंग कर लेना है, और कटिंग करके मैं फिर आपको दिखाता हूँ कैसे होगा। इसके बाद से ये जो मैंने कटिंग कर लिया है, कटिंग करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला पोर्शन जो है सेंटर का ये निकल जाएगा, और जैसा ये पोर्शन है वैसा ये एक पोर्शन आपको और बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने एक और ऑलरेडी काट के रख दिया, ये देखिए आप सेम टू सेम ये चीज़ है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक कल्ली, ये एक कल्ली, ये हो गई दो कल्ली, और इसका जो नीचे का पोर्शन जो बचा, मतलब ये वाला, इसको हाफ कल्ली मानते हैं और इसको भी हाफ कल्ली मानते हैं, ठीक है। तो तीन कल्ली में आपको बनाना था, दो कल्ली वो हो गई और ये दो हाफ कल्ली मिलके बन जाएगी। और लास्ट में मैं क्या करने वाला हूँ, इसको ऐसे फोल्ड करके और इनको भी ऐसे फोल्ड कर देता हूँ, और सबको एक दूसरे के साथ जोड़ देंगे, तो जो भी बनेगा वो हमारा वीडियो बनके तैयार हो जाएगा। तो बस यही करना है आपको, फोल्ड करके फिर मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो ये जो हमारा कल्ली थी सब हमने एक दूसरे के साथ जोड़ दिया, ये देख रहे हो आप, जो छोटी वाली पोर्शन थी उसको नीचे करके और सबको एक दूसरे के साथ जोड़ दिया, तो आपको एक परफेक्ट हाफ कल्ली, हाफ कल्ली और एक, और ये दूसरी वाली, ये दो कल्ली और ये हाफ हाफ, तीन कल्ली में आपका बनके ये तैयार हो गया। तो आप देख रहे हो काफ़ी परफेक्टली आप ऐसे बना सकते हो, आप 3D शीट मेटल पे काम कर सकते हो। तो अगर ये काम हमारा आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हमारा बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं, तो आप उनको जाकर चेकआउट कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो बस थैंक यू।